क्योंकि दीदी का वेट करते करते हम थक गए, दीदी भी दिखाई नहीं है। क्यों सकते हो कहाँ जा रहे हो लेके? अब दीदी जल्दी मिलना, जल्दी जल्दी तो बोल रहा हूँ, सरप्राइज है सरप्राइज। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग के अंदर। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज है रक्षाबंधन, तो पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पतिदेव जी गाड़ी के लगे हुए हैं। ये सुबह सुबह गाड़ी लेके निकल रहे थे बाहर, इनको कोई काम था, लेकिन जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट तो हो रही थी लेकिन चल नहीं रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया, क्योंकि 5-7 दिन से गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया था और बारिश में बाहर गए थे, उसके बाद स्टार्ट ही नहीं किया, तो इसमें कोई दिक्कत हो गई। तो गाइज काफी देर हो गई है मशक्कत करते हुए पतिदेव जी को, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही। ये बोली कि मैं यहाँ चुंबक की तरफ से स्टार्ट किए इन्होंने गाड़ी अभी। तो गाइज आज पतिदेव जी को लगे हुए 2 घंटे हो गए हैं, आज इसको ठीक करके ही मानेंगे। और मैकेनिक वाले को फोन किया तो आज वो सब छुट्टी पे हैं क्योंकि आज रक्षाबंधन है, तो कोई भी आने के लिए हाँ ही नहीं कर रहा। अब इनके एक दोस्त हैं, उनको थोड़ा सा इस बारे में नॉलेज है, तो वो बोले हैं कि मैं आता हूँ, तो देखते हैं वो कब तक पहुँचते हैं। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक ये लगे रहेंगे, इनको बस टेंशन हो रखा है कि स्टार्ट क्यों नहीं, वो चल क्यों नहीं रही, स्टार्ट तो हो रही है लेकिन चल नहीं रही। आज बन रहा है कद्दू का सब्जी, काफी टाइम बाद में सीजन का कद्दू हम फर्स्ट बार खा रहे हैं। क्यों? अभी ना अच्छे अच्छे कच्चे कच्चे कद्दू आते हैं, उनमें बीज भी नहीं है, अच्छा है, सॉफ्ट है एकदम से, और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है बहुत ज्यादा। तो आज कद्दू सब्जी बनेगा जबरदस्त, इसकी वजह से रेसिपी डाली हुई है हमारी, तो आप वहां जाके देख भी सकते हो। क्यों? और ये इसने भी स्नान किया नहीं है, आज इसका मन नहीं है नहाने का, इसका मन है कि मैं आराम से रेस्ट करूँ सोऊं, और मैं भी स्नान कर चुका हूँ। वीकनेस सा फील होने के पीछे रीजन है छोटा सा, इसने चाय नहीं पी, और चाय नहीं आज गुस्सा करके इन्होंने मुझे रुलाया गया। मैंने इतना ही कहा था कि बात गाड़ी वाली थी, है ना, मैंने कहा कि तेरे से छुट्टी तू अंदर चल। अच्छा नाम से नहीं बोले, गुस्से से बोले तो फिर मैं कभी कह रही ऐसे करो ऐसे करो, तू अंदर चल, तेरे से होगी गाड़ी सही। फिर रोने लगी, इसका शॉर्ट वीडियो आएगा उसमें देखना। तो गाइस यहाँ पे पतिदेव जी कर रहे हैं सुबह की पूजा, आज मैं तो स्नान वगैरह नहीं किया, पूजा नहीं की, तो आज सुबह सुबह ये कर रहे हैं पूजा। जय श्री राम, राधे राधे। सर आ गए, नमस्ते सर। अभी हमारे मित्र आ गए हैं और ये काफी 10 साल से गाड़ी लग रहे हैं, इनको अनुभव हो रहा है। आ देखो बीमारी बताती बीमारी है, आते ही टायर खोला कर दिया, तो सोच रहे थे कि चुंबक लगेगी कोई नीचे। पीछे वाले टायर में मिस्टेक है क्या? मेरे को ऐसे लग रहा था आगे वाले हैं। यहाँ पे मैंने चाय बनाने के लिए रखी थी, तो पहले सर को चाय पिलाते हैं, चाय बन रही है इधर। और ये मेरा यहाँ पे बन रहा आज कद्दू का सब्जी, हमारे पतिदेव जी की फेवरेट है कद्दू की सब्जी, वो भी ये वाला, बहुत अच्छी बनती है, पंचफूरन मसाला डाल के बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनती है, खट्टी भी ठीक। इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे, थोड़ा से मसाले डालेंगे इस प्रकार से। कर दिए चमत्कार, तभी वो आवाज किस चीज की हो रही है, गाड़ी के लग तो गए इस बार कभी। सो गाइज फाइनली हमारी गाड़ी यहाँ स्टार्ट हो गई है, चलने लगी। अभी साहब चला के दिखाएंगे चल रही नहीं चल रही, आगे पीछे कर लो इनको थोड़ा बाहर निकाल के वापस। पीछे गाड़ी आ जाएगी कोई रास्ते में,
ये लो है ना, सही है, और कर दो और ले आओ आगे, बस तो अभी साहब बताएंगे क्या हो गया था इसमें, और वो सर आए थे देवीदत्त जी सर, उन्होंने क्या किया? तो भाई हुआ कुछ नहीं, जो मैं कह रहा था ना कि 5-7 दिन पहले जो बारिश के अंदर वो गाड़ी लेके आया था, फिर ऐसा कैसा खड़ा कर दिया और जो हैंड ब्रेक वो लगा दिया, तो पीछे वाला जो टायर है जो नियंत्रण है वो जाम हो गए। गाड़ी में रख रहे हो क्या वापस? उसको खोलोगे ऐसे ही आता वो, स्टेपनी नहीं है क्या? ये नहीं तो क्या है? मतलब यूज होने लायक है, वो खराब थे, वो निकाल दिए ना टायर सारे। एक तो वही है स्टेपनी का, अच्छा वही है, इमरजेंसी में तो काम आ ही सकता है। इसमें रख देंगे, ये सारे इमरजेंसी के जुगाड़ है। तो ये वाला टायर था, इसमें जेक लगाया, फिर इसको घुमाया अंदर वाले को, तब जाके वो इसके लेदर खुल गए, फिर स्टार्ट। ये देखो मेरे कान को, मेरे वर्क को कोई ऐसे करे, गाड़ी का ऐसे खड़ा करे तो आने दे आने दे आने दे। अब थोड़ा पीछे करना पड़ेगा गाड़ी को, थोड़ा सा और जाने दो, आ गई बस बस तो बस। तो भाई अभी मैं उठा हूँ सो के, तीन तीन पार्सल आए हुए हैं तो इनको खोलूंगी मैं कि क्या है। दोपहर में सोई भी नहीं है, इसको नींद नहीं है, इनको देख के पार्सल को देख लेती है। ऐसा नहीं है, मैं आज दीदी का भी वेट कर रही थी, आज रक्षाबंधन है ना, दीदी आने वाले थे तो उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी टाइम हो चुका है 4:30, तो अभी 4:30 हो गए लेकिन सोई तो नहीं एक बार भी। पहले मैं बोलूँ मेरे इतना सा काम करवा दो, मैं देख लूँ इनमें क्या आया है, फिर चाय बना के पिला। क्या इसमें क्या इतना बड़ा सारा क्या है इसमें? यही तो बोल रहा हूँ, सरप्राइज है, सरप्राइज। तो गाइस गिफ्ट खोलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या आया है पार्सल के अंदर। तीन दिन से मैं इकट्ठे कर रही हूँ, रोज एक न एक आ रहा था, फिर मैं सोचा कि एक साथ ही खोलेंगे। कर दूं सरप्राइज। ये देखो गाइस इसने मंगाया है बैग, वाह काफी बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा मंगा लिया, मैंने सोचा छोटा आएगा, तो कुछ छोटा ठीक है वैसे इतना बड़ा तो चाहिए ही। गाइस देखो ये इस प्रकार से मंगाया, ट्रॉली बैग है, वैसे इसके टायर भी लगे हुए हैं, देखो ये उस बैग की तरह, मतलब ऐसे उठा भी सकते हैं और ऐसे इसमें जो टायर दिए हुए हैं ना उसका तो पकड़ के, इसकी कोई ज्यादा प्राइस भी नहीं है। तो अभी साथ दिखाएंगे इसका रिव्यू, कहाँ जा रहे हो लेके? तो ये बैग मंगवाया हमने ऑनलाइन, आप आराम से ना कम से कम 10 से 12 ड्रेस कैरी करके इसमें ले जा सकते हो, और आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो यहाँ से, देखो लेकिन ठीक है वैसे इतना बड़ा भी नहीं, चल सकते हैं जैसे कि चप्पल वाले। और अपन इसको सफर में जाना हो तो अपन ऐसे भी जा सकते हैं, और ज्यादा वजन हो जाए तो अपन ऐसे करके ऐसे भी चल सकते हैं, और मजाक नहीं, अगर आपको लिंक चाहिए तो बायो में लगा देंगे, कमेंट कर देना। तो एक पार्सल तो हमने खोल लिया है, उसमें बैग निकला है, तो दूसरा खोलते हैं इसमें क्या निकलता है, अभी देखते हैं। बैग तो हमारा सच में बहुत अच्छा आया, छोटा था ना उसे, ये आया है हमारे, तो ये बनाया हमने अपने न्यू होम बेबी के लिए, इसमें ऐसे इसको थोड़ा साइड करके दिखाते हैं ऊपर, ये देखिए ऊपर तो माउस मान लेंगे, मैं तुम्हें पूरा कनेक्ट करूंगा पहले, दो ये हो गया, ये देख सकते हो क्या है मतलब जैसे कि बहुत अच्छा आते हैं इनके अंदर, एकदम से गीला होता है ना, जैसे कि आप समझ सकते हो क्या हुआ इससे कि बच्चा उल्टी करे या फिर दूध गिराए तो उसको पोंछने के लिए बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग में लगाते हैं 5-7 ये अच्छा था, सॉफ्ट पैटर्न का आता है, अभी दिखाती हूँ इसके ऊपर दिया हुआ ना, यहाँ से खोलो और यहाँ से ऐसे निकल गई, और ये पीछे देखो एक इसमें ना, वाह देखो बच्चे के लिए बहुत सॉफ्ट ऐसे पूछने के लिए, मैं तो पसीना आ रही हूँ बता जी, कुछ ठंडा ठंडा लग रहा है, तो इसमें एक के अंदर 3 मिले मुझे 120 के अंदर,
ये तीनों प्रोडक्ट मेरे बहुत अच्छे निकले, बहुत घुमाने तो लिंक दे दूंगी। अगर आपको परचेज करना है तो मैं लिंक बायो में दे दूंगी, वहां जाकर परचेज कर सकते हैं। अभी पार्सल खोल के फ्री हुए और हमारे साहब आ गए बाहर अपने प्लांट की केयर करने के लिए। तो क्या कर रहे हो इसमें, पानी डाल रहे हो आज? तो ये डाल रहे हैं इनमें पानी। लो यहां तक आ गया, पानी दिख रहा है क्या? ऊपर तक था क्या पहले? एक ये तुलसा लगा दी, तीन लगे प्लांट की। हम हमारी टंकी चेक कर रहे हैं कि इसमें कितना पानी है। दिखाओ, गिर जाएगा फोन। थोड़ी देर चला दो, आ रहा तो बाहर वाला चला दो थोड़ी देर। जैसे रोज का रूटीन है, शाम वाली जो चाय हम पीते हैं, अभी शाम वाली चाय बन रही है। ये ड्राम, ये ड्राम ड्राम कर रही है, कोई सही नहीं आई नहीं, क्योंकि दीदी का वेट करते करते हम थक गए। दीदी अभी तक आई नहीं है, छह बज गए अभी तक हमारी दीदी तो आई नहीं, अभी आई करते करते उनका वेट करते करते कि पहले चाय पी लेते हैं। अभी चाय तैयारी चल रही है, जैसा कि आप देख सकते हो इसके चेहरे को देख के आप समझ सकते हो इसको चाय की बहुत ज्यादा डिमांड हो रखी है, चाय चाहिए भी इसको। नहीं, मेरे को थोड़ा सा ऐसे ना आजकल थकान हो जाती है, तो फिर ऐसे हो जाता है ना कि चाय पीऊं। हाँ। चाय देखो कैसे बना रही, किसी बना रही है। बता इसमें क्यों बनाती हूँ मैं, बड़ा टॉप चाय का है लेकिन उसमें ना ज्यादा चाय बन जाती है। आइडिया नहीं तेरे को, शेफ कमजोर हो गए। और मैं इसमें थोड़ी सी चाय बनाती। तो फ्रेंड्स फटाफट चाय बन जाती है, चाय पियेंगे अपन। अभी पतिदेव जी जाएंगे दीदी को लाने के लिए, तो बाइक तो अंदर खड़ी कर दी है। आवाज हो रही है, आवाज वो लेदर चिपके हुए थे ना उनकी आवाज हो रही है, छोड़ चलिए तब। ये तो पता मेरे को। तो फाइनली 7 बजे हमारी दीदी आई है घर पे, पूरे दिन वेट करते करते। और हमारी भूमिका भी आ गई। तो अब जाके इंतजार खत्म हुआ, सुबह से ब्लॉग बना रही हूँ दीदी के चक्कर में। तो वो दीदी आएगी राखी बांधेगी, दीदी आएगी राखी बांधेगी। सो गया आता ही मम्मी जी का कर दे, मम्मी जी का कर दे। अरे ना आशी अभी ने थोड़े रहे, 5 दिन और मम्मी आवे ना चलते पहले बने दूर जगह लाऊंगा। फटाफट आ गई देखो मम्मी ने तुम्हें। अब दीदी जल्दी मिलेगा, जल्दी जल्दी 5 दिन बाद में, 25 तारीख। अब दीदी थोड़ी सी देर के लिए आया, सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 1 घंटा घूम के। घूम क्या ना, देखिए